हेलो फ्रेंड्स टेक्सन जो चैनल पर आप सभी का स्वागत है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के पानीपत रिफाइनरी में कुछ न्यू वैकेंसी निकाली गई है जो कि आईटीआई डिप्लोमा और बीएससी कैंडिडेट्स के लिए है टोटल पोस्ट की बात करूं तो टोटल फिफ्टी सेवन पोस्ट है तो चलिए इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करते हैं इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है पी आर पी पब्लिक फिफ्टी फोर्टी फाइव टू थाउजेंड ट्वेंटी टू ट्वेंटी पहले इंडियन ऑयल के बारे में कुछ बोला गया है फिर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम ब्राइट यंग एंड एनर्जेटिक इंडियन नेशनली फॉर द फॉलोइंग पोस्ट इन पे स्केल ऑफ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड टू वन लाख फाइव थाउजेंड सबसे पहले जो पोस्ट है उसका नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट क्लास फोर प्रोडक्शन कोड so है वन जीरो वन टोटल पोस्ट की अगर बात करूं तो फोर्टी नाइन टोटल पोस्ट है जिनमें से यू आर के लिए ट्वेंटी टू पोस्ट ई डब्ल्यू एस के लिए फाइव पोस्ट एस सी के लिए नाइन और ओ बी सी एन सी एल के लिए टोटल थर्टीन पोस्ट है दूसरा पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट क्लास फोर मेकानिकल फीटर कमरीकर और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट क्लास फोर इसका टोटल पोस्ट है तीन जिनमें से यू आर का दो पोस्ट है और ओ बी सी में एक पोस्ट है नेक्स्ट जो पोस्ट है वह है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट क्लास फोर इंस्ट्रूमेंटेशन और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट क्लास फोर इनमें टोटल पोस्ट है चार जिनमें से यू आर में दो पोस्ट एससी में एक और ओबीसी में एक पोस्ट है ये चार पोस्ट में से दो पोस्ट पीडब्ल्यूबीडी बी डी यानी फिजिकली डिजेबल्ड कैंडिडेट के लिए है आप बात करते हैं इनके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया में सबसे पहले जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट क्लास फोर प्रोडक्शन में उसका पोस्ट कोर्स है वन जीरो वन इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है थ्री इयर्स डिप्लोमा इन केमिकल और रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और बीएससी इन मैथमेटिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियलिटी जेनरल एंड ओ बी सी कैंडिडेट्स एंड फोर्टी फाइव इन केस ऑफ एस सी कैंडिडेट एगेंड रिजर्व पोजिशन यानी कि अगर आपके पास तीन साल का डिप्लोमा है केमिकल रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग्स में या बीएससी है मैथमेटिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे और इसके लिए एक्सपीरियंस भी चाहिए बोला गया है कि मिनिमम वन ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन रोटेटिंग शिफ्ट और पंप हाउसेस फायर हीटर कंप्रेसर डिस्टिलेशन एक्सेट्रा नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट क्लास फोर मैकेनिकल फीटर कमरीगर और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट क्लास फोर इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है वो थ्री इयर्स डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम ऑफ फिफ्टी परसेंट मार्क इन एग्रीगेट फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट एंड फोर्टी फाइव परसेंट मार्क इन कास्ट ऑफ केस ऑफ एस सी और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट सिक्ड रिजर्व्ड यानी कि अगर आपके पास तीन साल का डिप्लोमा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या अगर आप आई टी आई हैं फीटर ट्रेड में तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको फिफ्टी परसेंट मार्क होना जरूरी है यू आर और ओ बी सी कैंडिडेट के लिए और इसके लिए आपको एक साल का मिनिमम एक साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी चाहिए नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट क्लास फोर इंस्ट्रूमेंटेशन और जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट क्लास फोर इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो है थ्री इयर्स डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग फॉर्मे रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम ऑफ़ फिफ्टी परसेंट मार्क इन एग्रीगेट फॉर जनरल एंड ओ बी सी कैंडिडेट्स तो तीन साल का डिप्लोमा अगर है आपके पास इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग में और आपके पास अगर फिफ्टी परसेंट मार्क है यू आर और ओ बी सी में या फोर्टी फाइव परसेंट मार्क है एस सी और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट में तो आप ये अप्लाई कर पाएंगे इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम वन ईयर ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल सिस्टम लाइक डीसीएस पीसी पीएलसी विद विथ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल भल्ब एक्सेट्रा फोर्थ नंबर जो पोस्ट है वह है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एनालिस्ट क्लास फोर बी एस सी विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स विथ मिनिमम ऑफ फिफ्टी परसेंट मार्क इन एग्रीगेड फॉर जनरल एंड ओ बी सी कैंडिडेट एंड फोर्टी फाइव परसेंट इन केस ऑफ एस सी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट रिजर्व और आइडेंटिफाइड फॉर पी डब्ल्यू बी डी पोजिशन यानी कि अगर आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में या फिजिक्स में या केमिस्ट्री मेंमिस्ट्री में अगर फोर्टी फाइव फिफ्टी परसेंट मार्क आपके पास है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी क्वालिफिकेशन के बाद मिनिमम एक साल का पोस्ट क्वालि एक्सपीरियंस मांगा गया है इन हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक एच पी एल सी एक्स आर एफ डब्ल्यू डी एक्स आर एफ जी सी आई सी एफ ऑटो एनालाइजर फ्लाश पॉइंट एक्सेट्रा नेक्स्ट हम देख लेते हैं सर्टिफिकेट इश्यूड बाई ए बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन फॉर पासिंग मेट्रिकुलेसन और हायर सेकेंडरी सेल बी ओनली एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ प्रूफ ऑफ एज रिलैक्सेशन इन एज अपू फाइव ईयर्स फॉर ए सी एंड थ्री ईयर्स फॉर ओ बी सी कैंडिडेट तो एस सी कैंडिडेट्स के लिए पाँच साल और ओ बी सी कैंडिडेट्स के लिए तीन साल तक छूट दिया जाएगा और पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट के लिए टेन ईयर्स का छूट मिलेगा नेक्स्ट जो है सैलरी के बारे में हम देख लेते हैं बेसिक पे uh, के साथ आपको डीए ए हाउस रेंट मतलब ये चारे और मेडिकल फैसिलिटीज़ परफॉर्मेंस रिलेटेड पे ग्रेचूरिटी कंप्यूटर प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉज पेंशन स्कीम एक्सेट्रा एक्सेट्रा दिया जाएगा आप देख लेते हैं हम लोग सिलेक्शन मेथोलॉजी में तो इसके लिए आपको सबसे पहले रिटिन टेस्ट देना पड़ेगा उसका बाद स्किल टेस्ट या प्रोविजन फिजिकल टेस्ट एस पी पी टी देना पड़ेगा ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए है फोर्टी परसेंट मार्क इन द रिटिन टेस्ट टू क्वालिफाई फॉर द फर्दर कंसिडरेशन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इन द रिटिन टेस्ट विल बी रिलैक्सड obtaining minimum qualifying marks in the written test does not confer any right or claim by the candidate for being shortlisted or further consideration or the final selection. shortlisted candidates in the ratio of 1 is to t 1 is to 2 subject to securing minimum qualifying marks in the written test will be required to undergo a skill or proficiency or physical test the sppt for each discipline shall be conducted

डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ट्वेल्व टेन टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी कि बारह अक्टूबर दो हज़ार बीस से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है और सात नवंबर दो हज़ार बीस तक आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन कर सकते हैं और एप्लीकेशन करने के बाद आप लोगों को प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकालने के बाद वो प्रिंट आउट के साथ जो कॉपी होगा जैसे कि बोला गया है आफ्टर सक्सेसफुली एप्लाइंग रजिस्टरिंग ऑनलाइन एप्लीकेंट द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू सेंड द स्कैंड कॉपी विथ मैक्सिमम साइज ऑफ ट्वेल्व ट्वेंटी एम बी और प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम ड्यूली साइंड बाई और हार एलोंग विथ ऑल सेल्फ एडजस्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज पर एनेक्सर टू अब एडवरटाइजमेंट नंबर एंड ए फोटोग्राफ अंडर सेल्फ एडजस्टेशन टू पी आर पी सी आर ई सी आर यू आई टी एम ई एन टी पी आर पी सी रिक्रूटमेंट एट द रेट ऑफ इंडियन ऑयल डॉट इन इसमें आपको मेल करना है आप इस जी मेल आई डी पर आपका हार्ड कॉपी भेज सकते हैं नहीं तो प्रिंट आउट करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन साइन करने के बाद 128, पोस्ट बॉक्स नंबर 128 पानीपत हेड पोस्ट ऑफिस पानीपत हरियाणा 132102 में भी सेंड कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहिए थैंक यू